नमस्कार। अगर किसी को अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके मुंह में लार या थूक प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है। और ऐसे एसिडिक पेशेंट्स को अपने मुंह के लार को बढ़ाने के मेथड्स को ढूंढना चाहिए। यह एसिडिटी का सिंपलेस्ट सॉल्यूशन है, लेकिन ये दुनिया उल्टी दुनिया मालूम पड़ती है। आपको हर बीमारी के लिए हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन फॉर ब्लॉक्स इन योर हार्ट, क्योंकि आर्टरी का ब्लॉकेज एक बहुत ही कॉमन बात है जिससे शायद आप परिचित नहीं हैं। दुनिया भर के लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट को ये बात पता है कि नंबर ऑफ हार्ट अटैक केसेस में आज तक एब्सोल्युटली 1% की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। दुनिया में हार्ट अटैक केसेस का रेट बढ़ते जा रहा है, ये बात एक प्लेन हाइप है, एक लेवलिंग एरर है। दुर्भाग्यवश हर चेस्ट पेन को एंजाइना का लेबल लगा दिया जाता है और हर ब्लॉकेज को कोरोनरी डिजीज बताया जाता है। आज की डेट में कोई भी इंसान अगर चेस्ट पेन की कंप्लेन लेकर हॉस्पिटल चला जाता है तो डॉक्टर को सबसे पहले उसका एंजियोग्राम देखना है। कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था, पर शायद अब ये दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब किसी को गैस की वजह से या किसी और वजह से चेस्ट पेन होता ही नहीं है, सिर्फ ब्लॉकेज और हार्ट डिजीज की वजह से चेस्ट पेन होता है। ब्लॉकेज हर इंसान की आर्टरीज में होता है, बच्चों की आर्टरीज में भी होता है, और खासकर होता है अक्सर ब्लॉकेज बच्चों की आर्टरीज में होता है। पर जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो बॉडी कुदरती तौर पे कोलैटरल आर्टरीज को खोलती है, इसको नेचुरल बाईपास या प्री कंडीशनिंग ऑफ द हार्ट कहते हैं। एंड देयर इज इनफ मेडिकल एंड साइंटिफिक डेटा टू प्रूव व्हाट आई हैव जस्ट सेड। कोई भी इंसान जब मेडिकल हेल्प लेने डॉक्टर के पास जाता है तो वो सीधा पेशेंट ही बन जाता है, और ऐसा पेशेंट बनता है कि जिंदगी भर पेशेंट ही बना रह जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री के डार्क साइड पे मैंने कई सारे बोल्ड स्टेटमेंट्स दिए हैं। ये सब मैं कहीं से पढ़ के या सुन के नहीं बोलता हूँ। जब मैं स्कूल में था और पहली बार किताब में ये बात पढ़ी थी कि हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है, तो मैंने अपनी टीचर से पूछा था कि जब हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल बनाती है तो वाई इज़ इट बैड। तब तो मुझे बच्चा समझ के समझा बुझा दिया गया था, लेकिन आज मैं इस बात को क्लियरली जानता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट बैड, द बिजनेस अराउंड द फियर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड। इसको डिजीज मॉन्जरिंग कहते हैं, मैंने बताया है आपको। अब कोलेस्ट्रॉल से अगर आप डरते हैं तो ये आपकी एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल इंडस्ट्री ने अपने फ़ायदे के लिए ये डर आपके अंदर डाल के रखा है, क्योंकि जिसको आप भगवान मानते हैं वही आपको डरा के रखते हैं। और ऐसे भगवान पता है आज की डेट में हमारे देश में 12 लाख हो गए हैं। 12 लाख भगवान और पूरे देश की हेल्थ की ऐसी चरमराई हालत, इसके आगे बोलने के लिए बचा क्या है। मैं डॉक्टर्स को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं पैसों की लालची और करप्ट मेडिकल सिस्टम की बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रीटमेंट के अप्रोच में आज जो सबसे बड़ा फ्लॉ है, जो दोष है, वो ये है कि ह्यूमन बॉडी को एक गाड़ी की तरह या मशीन की तरह देखा जाता है और ये समझा जाता है कि इसको हम पार्ट बाय पार्ट रिपेयर कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ह्यूमन बॉडी एक होल एंटिटी है जिसकी वजह से हम जब भी कोई ट्रीटमेंट करेंगे तो उस ट्रीटमेंट का असर पूरी बॉडी पे होगा, और इसलिए किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान पूरी बॉडी को ट्रीट करने पर ध्यान होना चाहिए। नहीं तो कैसे आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि एक ऑर्गन को ट्रीट करने के लिए जब दवा आप लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट दूसरे ऑर्गन पे हो जाता है। मैं पर्सनली अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट को बहुत सपोर्ट करता हूँ, जैसे कि आयुर्वेद या नेचुरोपैथी, क्योंकि इनका एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। आयुर्वेद में बहुत पोटेंशियल है और ये एक ट्रेडिशनल और रिच फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, फिर भी आयुर्वेद को हमने बैक सीट पर बिठा के रखा हुआ है। ऐसा क्यों है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हेल्थ का सीधा सीधा कनेक्शन उस एनवायरनमेंट से है, उस माहौल से है जिसमें आप रहते हैं, और ठीक इसी तरह आपका माइंड या मन वो एनवायरनमेंट है जिसमें आपकी बॉडी रहती है। जैसा मन वैसा तन, सुना होगा आपने। मेरे गांव में आज भी कोई बीमार पड़ता है ना तो कहता है कि मन खराब है,
बिल्कुल ठीक, क्योंकि जब भी मैं किसी बीमार को देखता हूं तो मुझे साफ साफ दिखता है कि उसका एनवायरनमेंट कितना खराब है। और कई बार मैंने आपको बताया है कि अंग्रेजी मेडिकल सिस्टम ने सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को खराब किया है, पोल्यूट किया है। अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपकी हेल्थ इस बात पे नहीं डिपेंड करती कि आप क्या खाते हैं, आपकी हेल्थ इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको क्या खाया जा रहा है। अगर आपको पॉजिटिव थॉट्स कल्टीवेट करना आता है और आप अपने आप को पॉजिटिव इमोशंस से घिरे रखते हैं तो चाहे आप कुछ भी खाते रहें, दवा लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बीमारी हो अपने आप ठीक होने लगेगी। नोट कर लीजिए इस बात को, कभी डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है। इसको कहते हैं क्वांटम हीलिंग, मतलब योर माइंड कैन हील यू। अमित गोस्वामी की एक किताब है क्वांटम डॉक्टर, उसको पढ़ेंगे तो इस बात को बेहतर समझ पाएंगे। आजकल की युवा पीढ़ी में हम फिटनेस का क्रेज देख ही रहे हैं। उनका यह बिलीफ होता है कि फिटनेस से हमें अच्छी सेहत प्राप्त होती है, पर एक्चुअली जिसको हम हेल्थ कहते हैं वो माइंड में या मन में होता है और फिटनेस मसल्स में होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, पर अक्सर लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अगर कोई मैराथन की दौड़ के लिए फिट है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए भी फिट है। आप एलोपैथ से पूछेंगे कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या है तो वो कहेंगे हेल्थ इज द एब्सेंस ऑफ डिजीज। नो, हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, क्योंकि हम में से कोई भी कंप्लीटली एट ईज तो है नहीं। हम सब की बॉडी में एट एनी टाइम 100 कैंसर सेल्स होते हैं, पर ये क्लिनिकल कैंसर नहीं बनते क्योंकि ये अपने आप मर भी जाते हैं। तो हेल्थ किसको कहेंगे, हेल्दी होना क्या होता है? आयुर्वेद कहता है कि हेल्थ इज द एंथुजियाज्म टू वर्क एंड टू लव। अगर आप अपने अंदर काम करने के जोश को जिंदा रखेंगे, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को सींचते रहेंगे और नेगेटिविटी को निरंतर अपने अंदर से बाहर निकालते रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, ये बात पक्की है। मैं कोऑर्डिनेटेड मेडिसिन में विश्वास रखता हूँ। ज़रूरत के हिसाब से हमें अपने स्वास्थ्य के लिए कौन से मेडिकल डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, मतलब कब आपको एलोपैथी का सहारा लेना चाहिए, कब आयुर्वेद या कब आपको नेचुरोथेरेपी से हेल्प लेनी चाहिए, ये आपके मेडिकल कंडीशन और सिचुएशन पर डिपेंड करना चाहिए। मेरी समझ से फ्यूचर ऑफ मेडिसिन यही होने वाला है, कोऑर्डिनेटेड मेडिसिन। क्योंकि जब तक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर आपस में कोलैबोरेट करके काम नहीं करेंगे तब तक दुनिया की ओवरऑल हेल्थ इन द रियल सेंस इम्प्रूव नहीं हो सकती। आपने बीएम हेगड़े का नाम सुना होगा, वो क्लियर कट कहते हैं कि भाई तुम करेक्टिव सर्जरी या इमरजेंसी केयर के लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास जाओ। वो लाइफस्टाइल डिजीज में भी वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन या अननेसेसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। मेडिसिन से ज़्यादा वो करेक्ट न्यूट्रिशन और करेक्ट लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट को उन्होंने एक्सक्लूसिव और रिडक्शनिस्ट बोला है। वो पद्म विभूषण है, नेक्स्ट ओनली टू भारत रत्न। खैर, ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर एंडलेसली डिस्कशन चलता रहेगा। मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा ये है कि कैसे हम लगातार अच्छी सेहत के डायरेक्शन में बढ़ते रहें, ताकि हम हेल्थ के डेफिनेशन को साक्षात एक्सपीरियंस कर पाएं। बीइंग अ वेजिटेरियन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनिमल प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से मिनिमाइज कर दीजिए, जीरो कर दें तो सबसे अच्छा। ट्रेडिशनल खाना खाइए, जो भी आपके कल्चर में ट्रेडिशनल भोजन होता है ना, वही सब ज़्यादा खाइए। आपको वो खाना खाना चाहिए जो आपके एंसेस्टर्स या पूर्वज खाते थे, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए मेडिटेरेनियन खाना आपको सूट नहीं करेगा। कोशिश कीजिए कि आप वो फल और सब्जियां खाएं जो कि जहां आप रहते हैं उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं उगाए गए हों। आप कहेंगे कि आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है, मैं कहता हूँ कि है, बिल्कुल है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो आपको सारे फल और सारी सब्जियां घर बैठे लोकल मिल सकती हैं। आज के ज़माने में इंटरनेट की वजह से आजकल अलग अलग रेसिपीज़ ईजिली अवेलेबल हैं,
पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि उन रेसिपीज़ को फॉलो करिए जो पुरानी हो, जिसको कई जनरेशन से लोग खाते आ रहे हों। और मेरी दृष्टि में हर डॉक्टर को, एलोपैथ, नेचुरोपैथ, आयुर्वेदाचार्य कोई भी हो, उसको एथिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए, एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो किसी मशीन से तो डील नहीं कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ से डील कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज की बात आपको समझ में आई। कोई सवाल, सुझाव, शिकायत हो तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।